हरिओम विद्यार्थी मित्रों, धोरण छ विषय हिंदी। तो हिंदी विषय में अपने चैप्टर 7 तक पूर्ण हो गया, उसका अभ्यास अध्याय भी करवा दिया। अपना जो कोर्स था वो पूर्ण हो गया है। अब उसके आगे यहाँ पे 45 यानी कि 45 पेज नंबर पर जो पुनरावर्तन दिया है वो मैं आज आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ जो हमारे आगे के जो चैप्टर हैं उनमें से ही ये पुनरावर्तन दिया हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ बोर्ड पर लिखूंगी कुछ आंसर। तो आप लोग लिखना, बड़े प्रश्न होंगे तो मैं उसके उत्तर बोलूंगी और आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पुनरावर्तन में प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न में पहला प्रश्न है कि हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है हमारे मन में कैसी भावना होनी चाहिए। तो उसका उत्तर है हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है आगे हस्ताक्षर प्रश्न 2, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। प्रश्न 2 है कि हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने क्या लिखा। तो हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, हस्ताक्षर करने के बाद गांधी जी ने लिखा, तुम्हारे इन आभूषणों की क्या अपेक्षा। तुम्हारे इन आभूषणों की क्या अपेक्षा। तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। उसके बाद है प्रश्न 3, हमें पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। हमें पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए। तो इसका उत्तर है पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। वे हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाती है। वे हमें अच्छे बुरे की पहचान करवाती हैं। किताबों से हमारी जिज्ञासा की पूर्ति होती है। किताबों से हमारे जिज्ञासा की पूर्ति होती है। ज्ञान विज्ञान को गतिमान रखने की काम पुस्तक ही करती हैं। ज्ञान विज्ञान की गतिमान रखने की काम पुस्तक ही करती हैं। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। पुस्तकों से अच्छी मित्रता का लाभ पुस्तकों से ही मिलती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलती है। इसीलिए पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए। उसके बाद आगे हैं समय और शक्ति की बचत कैसे होती है।
समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कौन सा प्रश्न है? चौथा, समय और शक्ति की तो वैज्ञानिक और कंप्यूटर जैसे उपकरणों से हमारा समय और शक्ति का समय और शक्ति की बचत होती है। कंप्यूटर जैसी वैज्ञानिक उपकरणों से हमारा समय और शक्ति की बचत होती है, ठीक है। उसके बाद है आगे प्रश्न 5, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? प्रश्न 5 है, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? तो एक दिन खलीफा, उसका उत्तर है, एक दिन खलीफा वेश बदल कर शहर में घूम रहे थे। एक जगह उन्होंने कुछ लड़कों को न्यायालय खेलते देखा। वे छिपकर उनका खेल देखने लगे। जो लड़का न्यायाधीश बना था, उसकी समझदारी और निर्णय करने की जो पद्धति थी, वो उनको बहुत अच्छी लगी। उसमें जो न्यायाधीश बना था, उस लड़के की समझदारी और न्याय करने की जो सोच थी, वो उनको बहुत अच्छी लगी। उन्हें लगा कि अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े को यह लड़का सुलझा सकता है। उनको लगा कि ये अली ख्वाजा और हसन का जो झगड़ा था, वो ये लड़का सुलझा सकता है। इसीलिए उन्होंने खलीफा ने हसन को अपने दरबार में बुलाया। देवेंद्र ने भिखारी के लिए क्या किया? तो अंधा और बूढ़ा भिखारी रास्ते में पड़ा पड़ा कराह रहा था। देवेंद्र ने उसे वहां से उठाकर फुटपाथ पर बिठाया और उसकी रोटी जहाँ गिरी थी वहाँ उठाकर कटोरे में रखी। उसके पैसे गिरे थे वो लेकर कटोरे में रखे और सड़क पर उसके बिखेर गए पैसे भी कटोरे में रखे। सड़क पर जो गिर गए थे पैसे, वो भी कटोरे में रखे।
भिखारी के पाँव में लगे घाव से खून बह रहा था। भिखारी के पाँव में लगी चोट से घाव से उसका बहुत खून बह रहा था। इसलिए देवेंद्र ने उसे सहारा देकर अस्पताल ले गया और भर्ती करवाया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दो है। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों परिच्छेद दिया हुआ है, एग्जाम में भी ऐसा आ सकता है, इसीलिए यहाँ पे जो परिच्छेद दिया है उसको पहले पढ़ना है, फिर उसी में से उसके उत्तर ढूंढकर लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ है, परिच्छेद है, ये मैं पढ़ती हूँ। जैसे कि जीवन में खेल बहुत जरूरी है, जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, क्या मिलता है? खेल से मनोरंजन मिलता है। हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, क्या होती है? हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है। हम कई कभी बीमार पड़ते, रोज खेलने से खाया हुआ रोज जीवन में फिर से जीवन में खेल बहुत जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं। जो लड़के नहीं खेलते वे आलसी और बीमार रहते हैं। खेलते समय हम अपने साथियों का ख्याल रखना पड़ता है, उनसे हम खूब मिलजुल कर खेलते हैं, जिससे हम में कोई अच्छी आदतें आप ही आप आ जाती हैं। ये आदतें आगे जाकर हमारे लिए बड़ी लाभकारक होती हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी पूरा जोर देना चाहिए। खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे इस परिच्छेद के कुछ प्रश्न हैं। जीवन में खेल क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? तो यहाँ पे उत्तर आएगा, जीवन में खेल जरूरी है। खेल से मनोरंजन मिलता है, खेल से मनोरंजन मिलता है, हमारी तंदुरुस्ती ठीक होती है, हम कभी बीमार नहीं पड़ते, रोज खेलने से खाया हुआ अन्न पच जाता है और शरीर में स्फूर्ति आती है। खेल हमारे सारे शरीर को मजबूत बनाते हैं और हमारा दिमाग तेज करते हैं, इसीलिए खेल बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा है, खेल के अभाव में क्या होता है? खेल के अभाव में क्या होता है? तो
खेल के अभाव में शरीर आलसी हो जाता है। खेल के अभाव से शरीर आलसी हो जाता है और खाना नहीं पचता। खाना नहीं पचता और भोजन का पाचन ठीक से नहीं होता। इससे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इस बीमारी तथा कमजोर रहते हैं, इसीलिए खेल के अभाव में यह होता है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्यों? पढ़ाई के अभाव में तो खेल के अभाव में सारे शरीर में आलस्य रहता है। खेल के अभाव में शरीर में आलस्य रहता है और खाना ठीक से नहीं पचता और हमारा शरीर तंदुरुस्त नहीं रहता। उसके बाद है चौथा प्रश्न है, परिच्छेद का योग्य शीर्षक दीजिए। तो खेल का महत्व और पढ़ाई का खेल से लाभ, खेल का महत्व और खेल के लाभ। तीसरा प्रश्न रह गया नहीं, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्यों? तो हाँ, पढ़ाई के साथ खेल पर जोर देना चाहिए क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं। पढ़ाई के साथ खेल पर भी जोर देना चाहिए क्योंकि खेलते समय हम साथियों के साथ मिलजुल कर खेलते हैं, हम साथियों का ख्याल रखते हैं। इससे हम में अपने आप कई अच्छी आदतें आ जाती हैं। ये आदतें हमारे भावी जीवन में बहुत उपयोगी साबित होती हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न तीन, निम्नलिखित विषय पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पे विज्ञान का महत्व, देवेंद्र की मानवता, हसन का सच्चा न्याय। तो ये तीनों, देवेंद्र की मानवता यानी कि एक अंधा भिखारी है, उसकी मानवता कैसी है? देखो, उसकी एग्जाम है, परीक्षा है, फिर भी वह अपने क्लासरूम में नहीं जाता और वो जो रास्ते पर अंधा बूढ़ा भिखारी पड़ा है, पड़ा पड़ा करा रहा है, उसको लगी है उस गांव से बहुत सारा खून बह रहा है। इसीलिए उसने उसकी परीक्षा से पहले मानवता दिखाई है, इसीलिए उस भिखारी को वह अस्पताल लेके जाता है और भर्ती करवा के बाद में परीक्षा देने जाता है। इसीलिए मानवता की परीक्षा में वो प्रथम पास होता है। वह सोचता है मानवता ही हमारा प्रथम कर्तव्य है। और हसन का सच्चा न्याय, ये भी हमारे अगले पार्ट में दिया है। जिस तरह के वो तेल, जो तेल उसके मित्र ने निकाल दिया है और सोना मोहरे निकाल दिए हैं, दूसरा तेल उसमें डाल दिया है, तो तेल की जांच की जाती है कितना पुराना तेल है। तो उस जांच पर से पता चल जाता है उसको कि ये काम उसने सोना मोहरे निकाली है या नहीं, क्योंकि वो मक्का के यात्रा पर तो 6 महीने पहले गया था, तभी का तेल और 2 महीने के पहले का तेल, दोनों तेल में बहुत अंतर था। इसीलिए पता चल गया कि उसमें जो तेल डाल कर गया था वो निकाल कर उसमें सोना मोहर निकाल दिए और दूसरा तेल भर दिया है। विज्ञान का महत्व, तो हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत महत्व है। विज्ञान से दुनिया को अनेक उपहार मिले हैं, विज्ञान से दुनिया को अनेक उपहार मिले हैं, जैसे कि मोटर, विमान, हेलीकॉप्टर जैसे जो यातायात के साधन हैं, वो विज्ञान के उपकरणों के कारण ही संभव हैं। तो पानी के जहाज, स्टीमर, पनडुब्बियों भी उसी ने ही दी है। जिस बिजली से हमारे जीवन को तरह तरह की सुविधा मिली है और
वह भी विज्ञान की ही देन है। विज्ञान से हमें अनेक जीवन आवश्यक दवाएं मिली हैं। आधुनिक शल्य चिकित्सक ने बहुत को नया जीवन दान दिया है। आज खेती की नई नई पद्धतियां जो का विकास हुआ है वह विज्ञान के कारण ही हुआ है। इसीलिए हमारे जीवन में विज्ञान का भी बहुत बड़ा महत्व है। उसके आगे हैं यहाँ पे कि अपने मित्र के जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखे। तो विद्यार्थियों, आपका मित्र है, जिस तरह के यहाँ पे आप पता लिखिए, जो नाम हो आपके मित्र का, मंगल भवन, अहमदाबाद, पिन नंबर, यहाँ पे तारीख लिखी जाती है, कौन से दिनांक को आप पत्र लिखते हो यहाँ पे पता लिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे तारीख लिखी जाती है और उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा जाता है सप्रिय सप्रिय नमस्कार। सप्रिय जो मित्र होता है उसका नाम लिखना है यहाँ पे, जैसे कि मनोज, तुम्हारा प्रिय सब प्रिय मनोज नमस्कार। क्या कहते हैं सबसे पहले? सब प्रेम नमस्ते प्रिय मित्र संदीप, या प्रिय सब प्रिय मित्र मनोज। फिर उसके बाद यहाँ से हम पत्र लिखना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया है कि प्रिय मित्र संदीप, 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, 17 नवंबर को तुम्हारा जन्मदिन है, वह निमंत्रण पत्र आज मेरे को मिला है, तो मैं तुम्हारे इस जन्मदिन पर अगर आ सकता तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती। क्या होता? मैं तुम्हारे इस जन्मदिन पर अगर आ सकता तो मेरी खुशी दोगुनी हो जाती, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे इस जन्मदिन पर नहीं आ सकूंगा, क्योंकि मेरे मामा की लड़के की शादी है। इसीलिए सब परिवार हम लोग उसी तारीख को शादी में जा रहे हैं, इसीलिए मैं तुमको बधाई देता हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन अच्छे से मनाए जाए और तुम हमेशा खुश रहो। इस तरह एक बार फिर बधाई, तुम्हारा प्रिय मित्र, यहाँ नीचे लिख देना कि तुम्हारा प्रिय मित्र जो भी हो उसका नाम, यहाँ जो लिख रहा है उसका नाम क्या लिखना है, यहाँ नीचे जिसको आप लोग पत्र लिख रहे हो, जैसे कि आपका नाम मनीष है, आपके मित्र का नाम है राकेश, तो आपका नाम है वो कहाँ आएगा? नीचे। और जिसको लिख रहे हो उसका नाम कहाँ आएगा? ऊपर आएगा। ये रहा कि मनोज है, मनोज राकेश को पत्र लिख रहा है, इसीलिए किसका नाम आएगा? राकेश का, राकेश का घर का पता आएगा,
और उसका नाम और उसको बधाई देते हुए पत्र लिखना है, और जिसने लिखा है उसका नाम कहाँ आएगा, नीचे, तुम्हारा प्रिय मित्र राकेश। जो भी कुछ भी किसी से भी लिखो, जिसको लिखो उसका नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आगे है प्रश्न 5। यहाँ पे प्रश्न 5 में दिया है कहावतों का अर्थ लिखिए। यहाँ पे प्रश्न 5 कहावत है, उल्टा जोर कोतवाल को डांटे, उल्टा निर्दोष को धमकाना, अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना, ये कहावत धमकाना आपने सुनी होगी शायद गुजराती में भी, उल्टा चोर कोटवाल ने डांटे, उल्टा चोर कोटवाल को कहे, यानी कि એટલે કે પોતે અપરાધી હોય અને નિર્દોષને ધમકાવે, પોતે અપરાધી હોય પણ નિર્દોષને ધમકાવે, એટલે કે ઉલટા ચોર કોતવાલ કો ડાંટે, યે કહાવત તભી હોતી હૈ, જિસ તરહ કે હમ નિર્દોષ હોતે, જો ચોર હોતા હૈ વો ચોરી કરતા હૈ તો ભી વો અપરાધી હૈ ફિર ભી વો કબૂલ નહીં કરતા, ઉલટા જો સહી હૈ ઉસકે નિર્દોષ પર ઉસકા પાપ કા બોજ ડાલ દેતા હૈ, હૈ ના। उसके बाद दूसरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा खजूर में अटका, तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकला नहीं कि तुरंत दूसरी मुसीबत जब आती है तब इस कहावत का उपयोग किया जाता है। जैसे कि अभी हमको सर्दी खांसी हुई, ठीक है, सर्दी खांसी अच्छी हुई, दवाई ली हमने और थोड़े दिन के बाद हमको वापस बुखार आ गया, तो एक दवाई दूसरी वापस आ गई, हुआ ना इस तरह के। यहाँ पे एक मुसीबत गई नहीं, दूसरी मुसीबत आ गई, एक मुसीबत से छुटकार दूसरी मुसीबत में फंसना। एक मुसीबत में झुककर दूसरी मुसीबत में फंसना। उसके बाद तीसरी कहावत है जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी करनी वैसी भरनी यानी कि अपने लिए हुए बुरे काम का, अपने लिए
पूरे काम का फल भुगतना। जैसी करने वैसी भरने, यानी कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल हमें प्राप्त होगा, इसका अर्थ यही होता है। हम बुरे कर्म करेंगे तो हमको उसका फल बुरा मिलेगा, हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल अच्छा मिलेगा। जैसी करने वैसी भरने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 6 है, ये यहाँ पे प्रश्न 6 की जो चित्र कहानी दी है वो हमारा जब नेक्स्ट क्लास आएगा तब मैं आपको सुनाऊंगी।